सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. और मैं हूँ दीपक. और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत सारे फाइन से बच सकते हो, जेल जाने से बच सकते हो और कोर्ट जाने से बच सकते हो, है ना दीपक? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब जब सुरभि ने मुझे टॉपिक का नाम बताया था तो मुझे इतना मजा आया सुनने में कि हाँ यार, ये बड़ी मजेदार चीज होने वाली है. और जो पॉइंट्स हैं हम लोगों ने, वो जो जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बेसिस पर हम लोगों ने सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिए हैं, ताकि आपको एक इंसाइट्स मिल सके कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इल्लीगल है, जिनकी वजह से आपको जेल जाना पड़े या जिनकी वजह से आपको लंबा चौड़ा फाइन देना पड़े. एंड लंबा चौड़ा मीन्स सीरियसली लंबा चौड़ा. तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए दीपक, वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलो शुरू करते हैं. यहाँ पर दीपक, जो फाइन होते हैं ना, बहुत सारे फाइन होते हैं, हमें पता है जर्मनी में बहुत सारे फाइन होते हैं. आप पार्किंग सही जगह ना रखो तो उसका फाइन होता है, स्पीड लिमिट जो है अप एंड डाउन है वो ना करो तो उसका फाइन होता है, और अच्छा खासा फाइन होता है ना. तो यहाँ पर ना दो तरीके के फाइन होते हैं, जिसे एक तो बोलते हैं बूसगेल्ट, एंड जो दूसरा होता है वो गेल्ट स्ट्राफे. तो बूसगेल्ट तो ऐसा होता है कि आपको फाइन आया, आपने दिया एक टाइम एंड हो गया. लेकिन जो गेल्ट स्ट्राफे होता है ना दीपक, बताओ, तुम बताओ क्या होता है गेल्ट स्ट्राफे? बेसिकली जैसे सुरभि ने बोला, जो एक कैटेगरी है कि आपको फाइन आया, आपने पे किया, खत्म खेल, मुद्दा खत्म. दूसरा होता है जब आप किसी कोर्ट केस में फंसते हैं, जहां पर आपके ऊपर केस होता है या फिर आपके ऊपर कार्रवाई होती है, और आप जो भी आपने गलती की है या जो भी क्राइम या जो भी मिस्टेक की है, उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना पनिशमेंट या फिर कितना फाइन लगेगा. तो वो होता है गेल्ट स्ट्राफे. तो ये दो कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जरूर यूज करोगे. जर्मनी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक स्ट्रेंज बात ये है कि आपको कहीं पर भी टिकट जो है वो एंट्री नहीं करनी होती है. यहाँ पर क्या होता है, एकदम खुला होता है. आप जैसे ही स्टेशन पे जाओगे, यू कैन गेट इन टू ट्रेन, या आप बस पकड़ सकते हो बस स्टैंड से. और वहाँ पर कोई भी टिकट चेक करने के लिए कोई मशीन्स नहीं होती, जनरली जैसे दिल्ली में मेट्रोज वगैरह में होती है, जिसमें आपको कॉइन डालना होता है या आपके पास कार्ड होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, यू डोंट नो, मतलब बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार चलो बिना टिकट के जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं. पर इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे अगर आपने बिना टिकट के ट्रैवल किया, तो आपने ट्रैवल किया तो यहाँ पर क्या होता है, अलग से टिकट चेकर्स होते हैं, वो आते हैं और वो आपकी सीट पे आके आपसे पूछते हैं कि आप अपना टिकट दिखाओ. इन केस अगर आपका जो टिकट है नहीं हुआ आपके पास, तो आपको जो है वो अप लाइक फ्रॉम मिनिमम जो है वो 60 यूरो का फाइन लगता है. कुछ कुछ केसेस में जो है वो मैंने ये भी सुना है कि जो टीसी, अगर आपके पास फाइन नहीं, अगर आप नहीं देते हो या आप बोलते हो नहीं देना, तो वो क्या बोलते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेशन पे जो है वो उतर जाओ. लेकिन जनरली यहाँ पर अगर आप बिना टिकट के वहाँ पर पकड़े गए, दैट्स नॉट द वर्ड पकड़े गए, बट अगर आप बिना टिकट के फॉर एनी रीज़न आपने अंदर चढ़ गए, तो वहाँ पर वो क्या होता है, वो आपका रेसिडेंट कार्ड जो यहाँ का कार्ड होता है वो देखते हैं, उसमें अब फिर क्या होता है, आपके घर पे जो है वो बिल भेज देते हैं, या फिर उस टाइम पे अगर आपको पे करना हो तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं. तो ये मिनिमम 60 यूरो होता है, डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन में हो, कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो एंड व्हाटएवर. ये तो मतलब एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, कि जैसे हमारे यहाँ तो आराम से मतलब नहीं घुस सकते आप स्टेशन पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर होता है, स्पेशली मेट्रो में, यहाँ तो खुला होता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है स्विमिंग. मतलब कोई सोच सकता है कि स्विमिंग के लिए भी आपको फाइन लग जाए, वो भी 5,000 यूरो तक का. आप मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता इतना बड़ा फ़ाइन, वो भी स्विमिंग के लिए. तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई ऐसी लेक्स हैं जहाँ पर स्विमिंग करना अलाउ नहीं है, या फिर कई ऐसे एरियाज़ हैं, छोटे छोटे लेक्स कनाल्स जहाँ पर स्विमिंग प्रोहिबिटेड है. तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे स्विमिंग नहीं करना है. अगर आप इस जगह पे स्विमिंग करते हुए पकड़े गए तो बहुत लंबा फ़ाइन लगेगा, कईयों को लगा भी है 5,000 यूरो तक का फाइन. और अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही आइसोलेटेड सी लेक है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, किसी को क्या ही समझ आएगा यार, चलो स्विमिंग करते हैं, बढ़िया मन कर रहा है,
और अगर आपको किसी लोकल ने, स्पेशली जर्मन लोगों ने अगर देखा, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और कंप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर एरिया में स्विमिंग अलाउ नहीं है और कोई स्विमिंग कर रहा है, और पुलिस आपको आकर फाइन की रिसिप्ट पकड़ा सकती है। तो इस चीज़ से हमेशा सावधान रहें, कहाँ पर करना है स्विमिंग, कहाँ पर नहीं करना है। कई मैक्सिमम प्लेसेस पर स्विमिंग यहाँ पर अलाउ है, जो ऐसी लेक्स हैं जिन्हें वार्डन जे बोलते हैं, जहाँ पर आप इजीली स्विमिंग कर सकते हैं वहाँ पर कीजिए, जहाँ पर अलाउ नहीं है वहाँ पर मत करना, वरना बहुत लंबा चौड़ा फाइन लगेगा। तो सर भी नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट चीज़ है दीपक, जो आई थिंक सब लोगों को लगेगा यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, बट जर्मनी एक बहुत ही अलग देश है इंडिया से। वो ये है कि अगर आप अपने ही घर में अपनी गाड़ी को वॉश करोगे तो उसके ऊपर भी आपको बहुत लंबा चौड़ा फाइन आएगा। अगर मैं आप तुमको ये बोलूं तो तुम यही बोलोगे कि पागल हो क्या यार, घर में गाड़ी इंसान साफ ना करे तो कहाँ करेगा। नहीं, पर उसका जो है वो 1000 यूरो तक जो है वो फाइन आ जाता है। द रीजन इज कि यहाँ पर क्या है, जो वो डर्टी वाटर है वो नीचे जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो मतलब आप नहीं कर सकते हो, वो जो है वो बेसिकली जो केमिकल्स वगैरह गाड़ी में लगाते हैं वो कैनाल में जाते हैं, कैनाल में जाते हैं, तो इसलिए ना वो प्रोहिबिटेड है। और दूसरी बात, यहाँ पर वो जो वॉश एरियाज होते हैं या कार वॉश एरियाज होते हैं वो हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं और सस्ते होते हैं, तो इसलिए लोग ना वहीं जाके कार वॉश करते हैं। तो आपको भी लगेगा यार लोगों के बड़े बड़े बाहर बरांडे हैं तो भी ये लोग जो कार वॉश है वो करने वहाँ क्यों जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो अलाउड ही नहीं है। आप कुछ भी, आपका कैसा भी घर हो, पर यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप वो दोगे करोगे तो हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फाइन आ जाए अगर आपको कोई देख ले। हाँ यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बढ़िया यहाँ लोग रोड पे गाड़ी लगा के अपना लेजम लेके पानी मार रहे हैं, वो नहीं होता मुझे है। तो याद है मैं स्कूटी रोज धोते थे तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होती, तो उससे बच के रहना। दीपक नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और जो अगली चीज़ है यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब इंडिया से आते हैं ना हमें पता नहीं होती ये चीज़, और हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। यूटोरेंट है ना, यूटोरेंट। हाँ एक्चुअली क्या है, जो पायरेटेड कंटेंट है या फिर जो कंटेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है डाउनलोड करना, आई वुड से कि कुछ भी डाउनलोड करना बिना पेड सर्विस के, आप बहुत बुरे फंसोगे, आपको लंबा चौड़ा फाइन आ जाएगा। जैसे यूटोरेंट पे लोग मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, इधर उधर से गाने डाउनलोड करते हैं, कोई भी इधर उधर की वेबसाइट से, वो बिल्कुल यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप करना भी मत भूल के, वरना 500 से 1000 यूरो तक का, 1500 यूरो तक का आपको फ़ाइन लग सकता है। और आप सोचोगे उन्हें पता कैसे चलेगा, वो आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेते हैं और आपको लेटर आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ अगर आप कोई चीज़ स्ट्रीमिंग कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर पेड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, नेटफ्लिक्स अमेजोन ये सब, वो तो लीगल है ही, पर अगर आप इलीगल या पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड तो कुछ करना ही मत, मैं सजेस्ट करूँगा। तो सर भी इंटरेस्टिंग तो है, पर है क्या चीज़? जैसे मुझे कोई पहला इंसिडेंस बताओ, किस केसेस में आप पे केस हो सकता है, कोर्ट केस? तो सबसे पहला मैं बता देती हूँ, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते समय हम किसी को बुली करने लगे, ए वो हम करते हैं ना, दिल्ली में बहुत ही कॉमन है, हम कुछ भी चिढ़ा देते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है ना दीपक, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट और इलीगल मानी जाती है। और उस केस में अगर तुम्हें ये बोल दे कोई इश जाइगे डिश अन, उसका मतलब पता है तुम्हें क्या है? मतलब अगर तुम जर्मन में ट्रांसलेट करोगे तो अला तुम्हें देख लूंगा, नहीं मतलब आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ तुम्हें आई विल शो यू करके है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो आपको स्यू कर रहा है और आप बड़ी मुसीबत जो में है जो फंसने वाले हो, तो कभी भी बुली मत करो। जैसे मतलब बहुत ही नॉर्मल है हम लोगों के लिए, हम कर देते हैं, अगर कोई मिस्टेक करे तो हम बोल देते हैं अरे क्या कर रहा है, तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें बहुत ही कॉमन है कि हम ऐसा कर देते हैं, एकदम से रिएक्शन जो है वो निकल जाता है, पर ये बहुत डिसरिस्पेक्ट है। तो व्हाइल ड्राइविंग आप ऐसा कुछ मत करना, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट फुल माना जाता है, और उसके लिए जो अदर पर्सन है वो आपको कोर्ट लेके जा सकता है। कोर्ट लेके जाएगा तो फिर कोर्ट में जो है वो पूरा केस चलेगा, फिर जो है वो जज डिसाइड करेगा कि भाई आपको फाइन कितना देना है या आपका जो पनिशमेंट है वो क्या है। तो ये जो है वो एक गेल्ट स्ट्राफेन का जो है वो वन एग्जाम्पल है। तो दीपक दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, मतलब जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मुझे हंसी छूट गई थी ये सुनकर कि अगर आप किसी पे थूक दो या आप किसी में मतलब बम्प या मतलब जड मार दो किसी में, बड़ो मतलब गुस्से में जाके दे मारो, तो यार ये एक्चुअली हाँ टक्कर मारना तो एक तरह से फिजिकल हो ही गया ना आप, और थूक दिया ना, तो ये भी एक्चुअली बहुत बड़ा क्राइम है। और
आपको अच्छा खासा कोर्ट केस में घसीटा जा सकता है इस चक्कर में, और लंबा चौड़ा फाइन भी लग सकता है। तो बेसिकली ये करता कोई नहीं है, सबको बताया किसी में कोई क्यों थूके या किसी में क्यों टक्कर मारा है, पर लेकिन ये है, ये रूल है यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं करना है वरना आप पे केस हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और इसमें केस में फ़ाइन कई लोगों पर लगा भी है, 150 यूरो से लेकर 500 यूरो तक का फ़ाइन लगा है कई लोगों पर रियल में। तो कॉन्शियस रहना किसी पर थूका था कि और आपने करना। क्या बोला है, किस तरीके से रिएक्शन दिया, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो दीपक, इस तरीके के भी केसेस जो हैं वो बहुत चलते हैं, और वो फाइन भी जो है वो वी नेवर नो कि वो कितना आता है, लंबा चौड़ा आता है, वो जज जितना भी बताएगा पनिशमेंट के हिसाब से उतना आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हर कंट्री में, हर कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सुनने में, बाहर से कोई सुनता है उसको बड़ा नॉर्मल सी लगती है, पर वहाँ के लोगों के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, तो बड़ा ही डिसरेस्पेक्टफुल स्टेटमेंट मानते हैं। तो उनमें से एक है कि डू ब्लू डे कुहू करके बोलते हैं, जो हम सुनेंगे तो हमें लगेगा यू ब्लडी काऊ बोल रहा है, इसमें क्या ही हो गया, पर लेकिन ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माना जाता है यहाँ पर जर्मनी में, जो यहाँ के लोग हैं उसको मतलब कोई उसको आसानी से नहीं लेने वाला, और हो सकता है उस चीज़ के लिए आपके ऊपर केस भी कर दिया जाए, और जो कि हुआ भी है। तो आप इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं ना उनसे थोड़ा अवेयर रहे, मजाक मजाक में, और हम जो भी बता रहे हैं ना ऑफकोर्स वो सब चीज़ें डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठ के ये सब कर रहे हो तो वो डिफरेंट चीज़ है, पर अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में किसी को ऐसा बोल रहे हो तो फिर वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो ऐसे कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे थोड़ा अवेयर रहे, अवेयर रहे और ना ही बोलें तो अच्छा जर्मनी में। इसके बाद दीपक, एक ही बहुत ही मतलब अफकोर्स मुझे ये चीज़ पता थी क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट्रीगेशन कोर्स किया, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि डू मतलब तुम, जी मतलब आप, इन सब का बहुत यहाँ पर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन मतलब जब मुझे ये पता चला कि आप पुलिस को अगर डू बोल के बुलाओगे, मतलब इन केस मतलब वही कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, पर अगर अब आप पुलिस को डू बोलोगे तो वो भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है और लोगों को बहुत उस पर फाइन भी लग जाता है। मतलब किसी किसी को तो 600 यूरो मैंने सुना है एंड कोर्ट तक खींच के लेके गए हैं। इट्स लाइक कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे और आपने पुलिस वालों को बोल दिया ए तू, मतलब वो हिंदी में मैं बता रही हूँ कि ए तू, तो वो नहीं भैया, हे आप बोलो, तो वो मतलब जर्मनी में जो जो सेंटेंस है आप डू नहीं बोल सकते, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एक और मैं चीज़ बताती हूँ कि अगर आप जैसे बाहर से आए हो तो उन्हें पता है कि यार इसको इतनी जर्मन नहीं आती, फिर आपने डू बोल दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हो और फिर आप उसको बोल रहे हो ऐसे और आपको जर्मन बहुत अच्छे से आती है या आप जर्मनी के ही हो, तो फिर आप पक्का प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए डू जो है वो पुलिस वालों को मत बोलना। वही कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, मतलब अगर आप लड़ाई आर्गुमेंट में जाके बोल रहे हो तू तया तो फंस जाओगे। पर ये बहुत मतलब अनकॉमन था मतलब मेरे लिए। मुझे भी सुन के थोड़ा इसीलिए तो मजा आ रहा है ये सब चीजों में कि सुन के ये चीजें बड़ी एक्साइटिंग सी लगती है, यार ऐसा भी होता है। और इन चीजों के लिए लोगों को फाइन लगे हुए हैं, अब वो चाहे 10,000 या 1,00,000 में से एक बंदे को लगाओ, पर ये चीज़ रियल है, ऐसा हुआ है। और उसके बाद ऑफ कोर्स सबको पता है कि मिडिल फिंगर दिखाना है कहीं पे भी अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ पर भी नहीं है अगर आप ऐसा करते हुए। लेकिन दीपक, मिडिल फिंगर दिखाना अच्छी बात नहीं होती ये सबको पता है, पर मिडिल फिंगर यहाँ दिखाना इलीगल है, मतलब इलीगल। तो और उस पर फाइन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। उस पर फाइन वही एग्जैक्टली मतलब आप किसी को ऐसा कर रहे हो और उसने रिकॉर्ड किया या कुछ भी करके प्रूफ किया और आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ तो आपको पक्का फाइन लगेगा इस चीज़ के लिए ही लेकर, बाकी चीज़ें तो अलग हैं। एक जन को तो दीपक मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी 4,000 यूरो का फाइन लगा हुआ है। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर ऐसा नहीं भी है तो यहाँ पर क्या होता है, लीगल इंश्योरेंस होता है। तो जैसे जो मैंने आपको गेल्ट स्ट्राफिन के जितने भी एग्जांपल बताए जिसमें आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोई आपको स्यू कर देगा, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, लोगों के पास लीगल इंश्योरेंस होता है। तो लीगल इंश्योरेंस में क्या होता है दीपक, जो लॉयर्स होते हैं उसकी फीस कवर होती है। यहाँ लॉयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इन एनी केस अगर कभी ऐसा होता है कि यार आपको जो है कोई स्यू कर दे और आपको जो है कोर्ट केस लड़ना पड़े, तो वो बहुत महंगा होता है,
क्योंकि लॉयर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उस केस में लीगल इंश्योरेंस लेते हैं, और लीगल इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो जो फीस ऑफ लॉयर होती है वो उसमें कवर हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो फाइन लगता है वो कवर नहीं होता। तो फाइन तो पनिशमेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी या सामने वाले को। और ये लीगल इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि आपकी ही गलती है, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जो आप नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल मेरा एक पहचान का बंदा था, उसके साथ हुआ था, वो जिस अपार्टमेंट में रहता था जब उसने वो खाली किया वहां से किचन हटाई तो किचन के पीछे वाला एरिया खराब हो चुका था, जबकि वो काफी कम समय के लिए वहां रहा था, तो पहले से ही वो एरिया डैमेज होगा। लेकिन ओनर ने उस घर के इस बंदे के ऊपर डाल दिया कि तुमने खराब किया है। उस चक्कर में इनका कोर्ट केस हुआ जो काफी लंबा चला था। तो ऐसे केसेस में आपकी गलती नहीं है, पर आप फंस जाते हो कोर्ट केस में, तो या तो आप पैसे दे दो मतलब सीधे से बन के, या फिर आप अगर सही हो तो आप लड़ोगे तो कोर्ट केस में आपको पे करनी पड़ेगी, पैसे ज्यादा लगेंगे। तो बेटर है इस तरह का इंश्योरेंस काम आता है उस सिचुएशन में। हाँ, लीगल इंश्योरेंस आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो ये है। बट हाँ, ये वीडियो में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट आप करना कि आपको कौन सा पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तुम्हारा सबसे इंटरेस्टिंग कौन है, कौन सा है दीपक? मुझे तो यार वो डूब लूडे कुएं वाला मेरे हंसी चुड़ गई यार। ब्लडी काउ मतलब ठीक है यार, इतना भी बड़ा नहीं है सेंटेंस पर, लेकिन यहाँ पे यार लोगों को फाइन लगा इस चीज के लिए, तो मुझे सुन के हंसी चुड़ गई थी मेरी, पर ठीक है सब जगह के अपने सिस्टम। तो मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो कार धोने वाला था, कि कार जो है वो आपके बाहर जो एरिया होता है उसमें नहीं धो सकते। सबसे इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा मुझे, क्योंकि अपने यहाँ तो बड़ा कॉमन है यार गाड़ी धोना, बड़ी चलो आज वीकेंड है गाड़ी धोएंगे। और सब इन सब केस ये भी कि किसी को चिढ़ाना, मतलब चिढ़ाना इज लाइक हम तो ऐसे ही चिढ़ा देते हैं सबको, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बट इसी के साथ जाते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वो जरूर देखो मजा आएगा आपको। दीपक व्लॉग्स, सुरभि एंड दीपक व्लॉग्स, एंड ना भी लगाओ तो चलेगा। ठीक है दीपक, मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ, बाय कर दूंगा केस।